नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह, आप जुड़ रहे हैं हमारे संग इंडिया न्यूज डिजिटल पर। और आज हम विश्लेषण करेंगे एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग के बारे में। जी हाँ, ये मच अवेटेड क्रिकेट लीग है, पहली ऐसी क्रिकेट लीग है कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स के लिए, एंटरटेनर्स के लिए। हम देख चुके हैं एक्टर्स खेल चुके हैं क्रिकेट लीग में, इससे पहले डायरेक्टर्स खेल चुके हैं क्रिकेट लीग में, पॉलिटिशियंस भी खेल चुके हैं लीग में पहले, मगर ये पहली बार है कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ऐसी लीग आ रही है। मेरे संग मेरे सहयोगी मिली और अंकित हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और अब हम बात करेंगे इस लीग के बारे में। तो पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि कैप्टन्स कौन है। यस, मच अवेटेड कैप्टन्स की अनाउंसमेंट हो गई है। छह कप्तान कौन है, हम आपको याद दिला दें, छह के छह बहुत ही जाने माने चेहरे हैं। आधों को आपने बिग बॉस में देखा है, मगर बिग बॉस के अलावा भी दुनिया है, तो बाकी भी बहुत ही खास नाम है। तो दिल्ली डायनामिक्स जो पहली टीम है, इसके कप्तान है सोनू शर्मा। पंजाब वीर्स के कप्तान है हर्ष बेनीवाल। बैंगलोर बैशर्स के कप्तान है अभिषेक मल्हान। हरियाणवी हंटर्स के कप्तान है एल्विश यादव। मुंबई डिस्ट्रप्टर्स के कप्तान है मुनव्वर फारूकी। और लखनऊ लायंस के कप्तान है अनुराग द्विवेदी। तो ये हैं छह कप्तान जो भिड़ेंगे वो ताज के लिए। सिर्फ एक विजेता होगा, फाइनल के लिए अभी समय है। पर आपको बता दें, हमारे विश्लेषकों के हिसाब से कौन जीतने वाला है फिनाले। तो पहले हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, क्योंकि अंकित को पूछूंगा तो वो कहेगा लेडीज फर्स्ट, तो आपसे ही पूछ लेता हूँ मिली, कौन जीतेगा? सर ऑब्वियसली बात है, अभिषेक मल्हान। अच्छा, अभिषेक मल्हान जीतने वाला है, फुकरा इंसान। क्यों? क्योंकि सर वो काफ़ी अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं, और मतलब उनके टीम में भी जितने जने हैं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बैंगलो, हाँ उनके टीम में, मतलब उनके बैंगलो बैशर्स में जितने भी है प्लेयर्स, वो मुझे काफ़ी पसंद है। जैसे आप देख सकते हैं, जिसमें इसमें आर्यन पाल है, आर्यमन पाल है, शुभम चावला है, निशांत है, थुकेश है जिसको मतलब हम सब जानते हैं, फिर तनुष है, लोकेश है, करण है, उमंग है, गौरव है, राज है, फिर ऐसे कई सारे नाम है इसमें जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि ये टफ कंपटीशन दे सकते हैं और कहीं ना कहीं ये जो एंटरटेनर लीग हो रहा है उसमें जीत सकते हैं। आप बताइए अंकित, आपके हिसाब से फेवरेट इस वक्त कौन है? क्योंकि हर सीजन के पहले बहुत बार ये होता है कि फेवरेट हमेशा जीतता नहीं है, मगर अभी ऑन पेपर कौन फेवरेट है? देखिए सर, बात की जाए तो एल्विश और मुनव्वर की, अगर मैं बात करना चाहूँ तो मुंबई और हरियाणा का एक तरफ मुकाबला है, लेकिन ऑलरेडी क्रिकेट लीग ये खेल चुके हैं मुनव्वर और एल्विश यादव, जहाँ पे हमने देखा था सेलिब्रिटी वर्सेस जो रियल हीरोज थे उनके बीच में मैच था, जहाँ अक्षय और सचिन जी का मैच था, तो वहाँ पे भी पहला एक्सपीरियंस उन अनुभव दोनों को है। हालांकि पहले अब दोनों एक टीम में खेल रहे थे, अब एक दूसरे के ऑपोजिट खेलेंगे, तो अब कप्तान है, तब कप्तान नहीं थे। जी बिल्कुल। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ मुनव्वर फारूकी की, तो बहुत ही कमाल की टीम है मुनव्वर फारूकी से मैं अगर आना चाहूँ। इसमें टीवी के बहुत सारे चेहरे, सबसे पहले अली गोनी मुनव्वर फारूकी के जो टीम है मुंबई डिस्ट्रप्टर्स, उसमें है सुयश, इसमें है जाने मुंबई की टीम है, तो स्टार्स तो होंगे मुंबई वाले। बिल्कुल सर। फिर अनुज है, उसके बाद सुयश एक अच्छा खिलाड़ी है, ही इज अ गुड क्रिकेटर। बिल्कुल। और मुनव्वर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई जो दिल्ली में हुई थी उसमें आ नहीं पाए थे, तो उनको रिप्रेजेंट करने सुयश ही आए थे। तो सर मयूर मेहता है, ये कमाल का, इनका फिटनेस भी बहुत अच्छा है, तो ये कमाल का ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर अशरफ खान है, अभय वर्मा है, प्रांजल कामरा है, करण खंडेलवाल भी हैं, जो कि हम सभी को पता है वो पहले भी खेल चुके हैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, हमने उनको देखा है। उसके बाद मोहम्मद अली हैं, सदाकत खान हैं, श्रेय राय हैं, राशिद सलमानी, और तमाम ऐसे और भी नाम हैं जिनसे, और पहले मुनव्वर भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, मुनव्वर की बॉलिंग बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, तो मुझे लगता है उन्होंने आउट भी करा था पिछले कई सारे दिग्गजों को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुनव्वर की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, एक तरफा कहीं ना कहीं मुकाबला हो सकता है। अगला सर, अगर हम एल्विश यादव पे आएँ, तो एल्विश हरियाणवी हंटर्स, आईपीएल में भी ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक आईपीएल में हरियाणा की कोई टीम नहीं है, और वहीं T10 में भी ऐसा ही हो रहा है ACL में कि पहली बार डेब्यू कर रहा है हरियाणा का कोई। आज तक एल्विश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि हरियाणा का आज तक कोई भी क्रिकेट में नाम नहीं रहा है, बाकी सारे स्पोर्ट्स में आगे रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जैसे एंटरटेनर लीग है लेकिन चांस दिया है एक बार। इसमें हमारे वर्ल्ड अभी कॉन्ट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं, लेकिन अब मैदानी कॉन्ट्रोवर्सी ना बनी, इनसे हमें दुआ करते हैं। बाकी रजत दलाल पहला नाम, और रजत दलाल थी अपनी अदालत है, वहीं फैसला होता है, सब कुछ होता है, कॉमेडी तो मस्त है। करण सहगल इसमें मौजूद हैं। उसके बाद लवकेश कटारिया, जो हाल फिलहाल में बिग बॉस OTT मैम 3 में उनको देखा, वो इसमें है। फिर लक्ष्य और अर्चित, वो तो ये पूरी एल्विश गैंग तो साथ में है ही। उसके बाद सर बात की जाए तो कशिश पुंडीर, जो स्प्लिट्सविला ऑलरेडी जीत चुके हैं और बिग बॉस रोडीज एक्सट्रीम का हिस्सा रह चुके हैं, वो भी हालांकि मुंबई के हैं बट इसमें आ चुके हैं, वो भाईचारा वाली बातें। बाकी सर इसमें माही हैं, उसके बाद अंश हैं, और इसमें सर एल्विश की टीम में अच्छी चीज़ है, इसमें फिटनेस फ्रीक बहुत हैं। अब फिटनेस
अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने में। तो एल्विश बेशक कप्तान है, लेकिन उनकी जो टीम में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी फिट हैं, और मुझे लगता है कि फिटनेस एक अलग एंगल रहेगा और कहीं ना कहीं उनको एक मुझे लगता है आगे बढ़ोतरी मिल सकती है गेम में, क्योंकि फिटनेस और आपका रहता है ना फिटनेस, जिसका रिजीम अच्छी हो तो वो आगे तक जा सकता है। तो ये फ़िलहाल तो टॉप टू ये हैं, बाकी बैंगलोर के बारे में तो मिली ने बता दिया, तो टॉप थ्री तो यही नज़र आ रहे हैं। बाकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो मैं चाहता हूँ आप उनका नाम लो, क्योंकि लखनऊ लाइन्स अनुराग द्विवेदी, ये हमें सबको पता है कि एक बेशक इस टीम का भी विश्लेषण करिए, बिल्कुल इस पे मैं आना चाहूँगा। ये मेरे को बड़ा कमाल का इनका टीम पूरा लग रहा है स्क्वाड, क्योंकि अनुराग द्विवेदी फैंटेसी क्रिकेट खिलवाते हैं वर्चुअली लोगों को, क्रिकेट मतलब फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जो कि लोगों को राय देते हैं कि आपको किस तरह की टीम बनानी चाहिए, फैंटेसी लीग में किस तरह आपको खेलना चाहिए, लेकिन ये वर्चुअल है। अब मैदानी एक्सपर्टीज़ उनकी देखनी होगी कि मैदान में किस तरह वो खेलते हैं, और ख़ुद भी वो खेलते हैं क्रिकेट, तो एक वो एडवांटेज, ये एक्सपर्टीज़ बहुत अहम होती है, बिल्कुल। कहाँ आपको मिड ऑन में किसको रखना है, लेग साइड किसको रखना है, विकेट कीपर किसको रखते हो, कौन कौन है उनकी टीम में जिनके संग ये एनालिसिस की जा सकती है। बिल्कुल सर, पहले तो तरन सिंह हमारे मुंजिया के काफ़ी फेमस, हमने उनको देखा था, तो काफ़ी फेमस नाउ एक्टर बट ऑल्सो इन्फ्लुएंसर। बट उसके बाद सर विभेन खान है, पीयूष शर्मा है, और आशीष कुमार इसमें है, फिर स्टॉक बर्नर करके सर एक इन्हीं के फैंटेसी का ही आदमी है, वो भी इसमें है, लक्ष्य चौधरी इसमें है, जाने माने यूट्यूबर जो रोस्ट वीडियोस बनाते हैं लक्ष्य चौधरी। मेरे को लगा था कि ये एल्विश की टीम में जाएंगे, लेकिन लखनऊ को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। शिवम राजपूत इसमें है, जो हमने देखा मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, वो इसमें है, आदर्श इसमें है, फिर विकास छेत्री इसमें है, और तमाम ये लंबी लिस्ट है। ये टीम थोड़ी सी मुझे लगता है भारी पड़ सकती, तो मिली बेंगलोर को सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन लखनऊ के नवाब, तो लखनऊ वाइल्ड कार्ड हो सकता है जो जीत सकता है टॉप थ्री, मगर हमने विश्लेषण कर दिया मुनव्वर की टीम, एल्विश की टीम और अभिषेक की टीम होने वाली है। अभिषेक की टीम क्यों आपको लग रही है हावी हो सकती है मिली, क्या उनकी कप्तानी की वजह से, या फिर टीम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है आपको? सर टीम भी इंटरेस्टिंग है, और अभिषेक मलान जिस तरीके कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंगली भी वो अच्छा लीड ले सकते हैं, अच्छा लीड कर सकते हैं, अपने टीम को बता सकते हैं कैसे खेलना है, और एक अगर अच्छा लीडर होता है ना तो आपकी जो टीम होती है वो अच्छा परफॉर्म भी करती है, स्पेक्टेटर्स भी काफ़ी आएंगे उनके सपोर्ट सर। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मलहान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आउट हो गए पहली बॉल पे एल्विश की, तो पहला मैच में क्या ही जीत पाएंगे सर। आप देख सकते हैं, आप फर्स्ट मैच दोनों के बीच में ही है, देखना उसमें मलहान ही जीतने वाले हैं। पहले दिन ही कॉन्टेस्ट है, पहले दिन ही गजब बात है कि इन दो टीम्स के बीच ही मुकाबला है पहले दिन। जी सर, ये बोलना चाहूंगा जो बिग बॉस नहीं जीत पाया तो मैच तो क्या जीतेगा, बट अब मैं चाहता हूँ दो टीम है, बिग बॉस तो वोटर्स की वजह से नहीं जीत पाया, लेकिन इसमें उनका परफॉर्मेंस अच्छे से दिखेगा और वही जीतेंगे। चलिए देख लेते हैं, मैदानी जंग है सर। दो बड़ी टीमें और हैं, पंजाब वीर्स एंड दिल्ली डायनेमिक्स, ये दोनों बेहद ही कमाल की। पहले मैं दिल्ली डायनेमिक्स में आना चाहूँगा, क्योंकि इसमें मेरा एक दोस्त भी है, तो एक वो सपोर्ट इस वक्त दिल्ली में भी है। हाँ, दिल्ली में भी है सर। सोनू शर्मा कप्तान है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, और काफ़ी एक ऑथर भी हैं, तो कमाल की मोटिवेशनल स्पीकर बातें करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं, लेकिन अब एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि बात है अब खेल की, और खेल खेल में देखते हैं किसको हरा पाते हैं। पहले इनके पास है, इनकी टीम जो है खुद भी बहुत ज़्यादा फिट है, इतनी 30+ है उसके बावजूद भी, और टीम में मस्कुलर मैन बहुत सारे हैं, और खुद इसमें बॉलर्स, होम क्राउड एडवांटेज भी मिलेगा, दिल्ली में मैचेस काफ़ी है। तो सर अर्पित इसमें है, अमित बहल इसमें है, केशव मालू इसमें है, जो कि मेरे दोस्त हैं और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, क्रिकेट में खुद भी वो हैं और IPL के एक्सपर्ट हैं, ये भी बहुत अच्छे विश्लेषण करते हैं, एक्सपर्टीज़ हाँ, तो वो अनुभव भी इनका फील्ड है, और पहले भी खेल चुके हैं, ये एक एंटरटेनर लीग खेल चुके हैं। सर रियांश इसमें है, ये भी कमाल का, इनका भी बहुत दुरंदर कर दिया। फिर सतिंदर सिंह है, जो बहुत फिटनेस फ्रीक हैं। फिर लक्ष्य इसमें है, फिर उनेश शर्मा है, विनय प्रकाश हैं, साहिल खन्ना है, विक्रम यादव बहुत ही कमाल का नाम है, यूट्यूब पे सब लोग मुझे लगता है जानते होंगे, अश्विन यादव इसमें है, अभय मित्रा और ऋषभ मदान इसमें एक और ये है। तो ये पूरा दिल्ली डायनेमिक्स का डायनेमिक्स हमने समझा दिया थोड़ा बहुत, बाकी सर थोड़ा केशव भाई ऑल द बेस्ट। एंड अगला सर पंजाबी वीर्स का है, तो पंजाब की गल है, तो फिर बेनीवाल का मुंडा इस बारी आ गया है, हर्ष बेनीवाल टीम के कप्तान है, और बेनीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी मजबूत, हाँ एक उन्होंने बताया कि फ्रंट फुट पे एक कवर ड्राइव लगा के बताया कि हम आ चुके हैं, और सर इसमें भी एक अच्छा टफ कंपटीशन दे सकती है, क्योंकि उनके टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं ओवरऑल पंजाब हरियाणा से लड़के आ रखे हैं, और वहाँ तो घी भी और वो सब तो चलता ही है, तो फिटनेस का तो कोई बात ही नहीं। हर्ष बेनीवाल खुद भी बहुत ही कमाल करते हैं, बेशक यूट्यूब पे तो धमाल मचा चुके हैं, बट अब ऑन क्योंकि वो हमने देखा है वो खेलते रहते हैं, प्रैक्टिस मैचेस करते रहते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। पहला मोहित चिक्कारा,
जो कि इनके ही बेस्ट फ्रेंड है, इन्हीं की टीम का पार्ट है और फिटनेस फ्रीक हैं और राइडर भी हैं, तो वो पहला। फिर दूसरा जैगो गिल। जैगो गिल बहुत ही कमाल के, सर मैं आपको बता दूं, क्रिकेटर हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी खेलते हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, रेगुलरली खेलते हैं, लोकल दिल्ली NCR में खेलते हैं, तो ये जैगो गिल कमाल के हैं। फिर उसके बाद सर रिशित खुराना है, अंकित नागर हैं, बिट्टू मैक्सी है, ये भी बहुत अच्छा इनका फिटनेस रिजीम है। उसके बाद विशाल इसमें है, नितिन सैनी है, ये विकेट कीपर हैं, इसमें विकेट कीपर ये रहेंगे। इसमें युवराज हैं, वो वाले नहीं मेन फर्स्ट कॉपी, बट हाँ युवराज हैं। पवन चीची है, सारांश ये काफ़ी फेमस यूट्यूबर है सर, और रोहित हैं, निखिल रोहतक है, अर्शद हैं, प्रशांत है, और एक नाम जो इस समय AI के नाम से जाना जाता है, पूरव झा। पूरव झा इसमें है, बेशक सोशल मीडिया पे धमाल मचा चुका है, और पूरव झा को आप देखना क्योंकि फिटनेस उनकी भी बहुत अच्छी होगी। पूरव झा हाल फिलहाल में आरुष भोलो, पूरव झा ने एक कॉम्पिटिशन रखा था क्रिकेट, जहाँ पे पूरव झा की टीम जीती थी, तो वहाँ तो जीत गया, अब ये देखना होगा। बाकी सुनिश्चित है, और ये सर सारी टीमों का विश्लेषण अभी हमने दे लिया, तो ये टीम भी बहुत है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा टॉप 3 में किसको रखेंगे, क्योंकि मुकाबला बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं, ऐलान हो चुका है, अब बदला नहीं जा सकता, मगर हाँ जिस दिन पे, एज दे से, एनी टीम जिस दिन अच्छा प्रदर्शन करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, उस दिन जीतेगी। टीम पेपर पे अच्छी हो सकती है, मगर मैदान पे कैसी वो टीम हो वो हम देखेंगे एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग के दौरान। तो ऐलान हो चुका है, टीमों का भी विश्लेषण हम आपको उससे भी अवगत करा चुके हैं। बने रहिए हमारे चैनल के संग, हम आपको टीम्स के बारे में बताते रहेंगे। और मैं ये भी दर्शकों को बता दूं कि खिताब एक ही जीतेगा, तो हमने टॉप 3 तो बता दिए, मगर टॉप 1 कौन होगा ये हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। हाँ बताइए। मैं वही बोल रहा था कि पहला मैच 13 सितंबर को 5:30 बजे, और वो खेला जाएगा बैंगलोर बैशर्स के और हरियाणवी हंटर्स, एलविश वर्सेस फुकरा, पहला ही मैच और इतना एक्साइटिंग। दूसरा मैच है सर 8:30 बजे, वहीं रुकना है, जाना नहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम से बाहर। पहले दिन दो मैचेस, मुंबई डिस्टर्बर्स मुनव्वर वर्सेस अनुराग द्विवेदी, तो ये भी बड़ा कमाल। फाइनल की तारीख क्या है? फाइनल 22 तारीख को है, और 10 दिन का ये मुकाबला है, महामुकाबला। अब ये देखना होगा, जैसे आपने कहा, कि किसके झोली में जाएगी ट्रॉफी। चलिए, तो खेल खेल में शुरू होने वाली है, और 10 दिन का मुकाबला है। सितंबर के महीने में भी हमें पता चलेगा कि कौन बनेगा एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग का पहला विजेता चैंपियन। वोट्स की गिनती पर नहीं, फॉलोअर्स की गिनती पर नहीं, परफॉर्मेंस किसका उमदा रहेगा ये हम देखते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। अगर आपको इस लीग को लेकर जो भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगर आप इनके विश्लेषण से सहमत हैं तो भी बताएं, नहीं सहमत हैं तो भी बताएं, आपकी फेवरेट कौन है ये कमेंट्स कॉलम में ज़रूर हमें बताएं। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, लाइक भी करें। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।